नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं शिवम राजभर कॉमेडीज एंड टेक्निकल चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी ऐप अपने एंड्रॉयड फोन में कैसे हाइड करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई बड़ा भाई या हमसे कोई सीनियर या घर वाला कोई या कोई रिश्तेदार या बाहर का कोई अनजान आदमी हमारे फ़ोन को अगर टच करता है, हम कितना भी लॉक लगाए रहेंगे, अगर आएगा हमारे पास बोलेगा लॉक खोल के दो, हम लोग लॉक खोल के देते हैं, फिर वो अपना जो मर्जी हमारा फाइल डिलीट कर दे या और कुछ कर दे। दोस्तों इससे अच्छा मैंने एक अच्छा उपाय ढूंढा है लॉक से अच्छा, दोस्तों हाइड कर देने का। क्योंकि जब ऐप ही हाइड रहेगा दिखेगा ही नहीं, तो ओपन करने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ऐप एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे हाइड करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। ये देखिए मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर सर्च मारना है आपको एपेक्स लॉन्चर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एपेक्स टाइप करते हैं, एपेक्स लॉन्चर आ गया उधर। आपको दोस्तों ये इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं इसका जैसा 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके, और 4.3 की रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें नया अपडेट आया, सो सर्च एज ओवरले एक्सपैंड नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। दोस्तों बहुत ही एडवांस ऐप है और लॉन्चर बहुत अच्छा है। दोस्तों खासकर तो हम इसको ऐप हाइड करने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। दोस्तों चलिए ओपन करते हैं इसको। ये देखिए लॉन्चर ऑन हो गया। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलने लगा इससे। काफ़ी अच्छा लॉन्चर है, लेआउट भी अच्छा दिख रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो गया इसमें। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हाइड करें। दोस्तों आप जैसे ही ये लॉन्चर ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं ऑन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक डाउनलोड करते हैं ऑन हो जाता है। ये देख सकते हैं इधर एपेक्स सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है आपको। ये देखिए एपेक्स सेटिंग पे आया मैं इधर। इसके बाद इधर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे ड्रावर सेटिंग है। ये देखिए ड्रावर सेटिंग में जाना है। ड्रावर सेटिंग में जाने के बाद आपको हाइड ऐप आइकॉन्स फ्रॉम द ऐप ड्रावर, हाइडन ऐप्स में जाके आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं फिर अगर आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, ये देखिए हलो बाइबल को हाइड करना चाहते हैं, देखिए मैंने सेव किया। देखिए नहीं दिखेगा। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं YouTube को हाइड करता हूँ। ये देखिए मैं YouTube को हाइड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ YouTube को हाइड करके। ये देखिए इधर से भी आप क्लिक करके उसके बाद आपको Apex सेटिंग में जाना है। Apex सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर ड्रावर सेटिंग पे क्लिक करके हिडन ऐप्स में जाके आपको इधर अगर YouTube को हाइड करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। ये देखिए यूट्यूब ओके किया मैंने, चेक किया सेव। दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं कि देखिए आप देख सकते हैं यूट्यूब कहीं पे है नहीं, यूट्यूब गायब हो गया। दोस्तों अगर मुझको वो ऐप दोबारा यूज करना है तो उधर ही वैसे जैसे ही सेम प्रोसेसर उसका वैसे ही है। एपेक्स सेटिंग में जाके आपको ड्रावर सेटिंग में हिडन ऐप्स में आपको जो जो आपने हाइड किया है वो ऐसा अनचेक कर दीजिए। अनचेक करते ही आपका सब ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर किया दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स रिसर्च करके डालता रहता हूँ अपने पेज पे, अपने यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं और अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो आपको पता चलता रहेगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।